What I do to get rid of the overthinking is to play with the children. मेरे पड़ोस में दो तीन छोटे छोटे टीनी डॉट्स हैं 4 से 5 साल के, मैं उन्हें घर पे बुला लेती हूँ एंड उनकी सिली थिंग्स सुनो, उनके साथ आप बिल्कुल सिलियस थिंग करो, वॉट एवर दे डू आप उनको फॉलो करो, आपको 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उसके बाद आप खुद ही फ्रेश फील करने लगोगे, वो जितना भी मसाला आपके दिमाग में चल रहा था वो सब भुन के सब चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई बिलीव. एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है? जड़ कहीं बाहर होती है या हम खुद होते हैं? मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरे साथ में उसने ऐसा क्यों किया? जो किया वो प्रॉब्लम होता है या मेरे साथ में किया वो प्रॉब्लम होता है? हाँ, उसने किसी और के साथ किया, दैट इज ओके, उसका नेचर है. बट मेरे साथ में क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैं तो समझ जाओ, ओवरथिंकिंग का दूसरा मतलब है आप इस मैं में जा करके फंस गए हो. और जब हम मैं को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो थॉट्स भी बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं. जैसे कभी आपने फील किया हो किसी हिल स्टेशन पे गए हो, वहां पर सनराइज देख रहे हो, तो उस वक्त क्या होता है? सर, थॉट्स नहीं होते. क्यों नहीं होते हैं थॉट्स? क्योंकि कुछ देर के लिए आप खुद को भूल जाते हो. खुद मतलब क्या? आपकी प्रॉब्लम्स, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स. मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में ये होना चाहिए, मेरे साथ में ये हो रहा है, मतलब कि खुद को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए. तो वहां पर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है. समझ आ रहा है? तो अगर हम कहीं ऐसी जगह पर जुड़ जाएं, यानी कि खुद को भूल जाएं, तो हमारी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है. और बच्चों के साथ में जब हम जाते हैं तो क्या होता है? वही होता है एग्जैक्टली जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो पहाड़ पे होता है. सबसे बेस्ट आइडिया है ये, मतलब इससे बढ़िया कोई आइडिया हो नहीं सकता है. कि अगर आपके खुद के बच्चे नहीं भी हैं, जायज या ना जायज व्हाटएवर, तो क्या कर सकते हो? पार्क में जा करके जहां पर बच्चे खेल रहे हैं उनको देखते रहो, उनके खेल में एक हो जाओ. ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इमीडिएटली ऑल योर थॉट्स विल कम टू एन एंड. बजाय कि वहां पर जाकर के बैठो और देख करके अपने बारे में सोचो कि वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, तब तो और उलझ जाओगे. अरे क्या ये जिंदगी है, ये है वो है. नहीं, उनकी खुशी में आप खुश नहीं हो सकते क्या? अगर दूसरों की खुशी में आप खुशी महसूस करते हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में खुशी की कोई कमी नहीं है. और औरों की खुशी से दुखी होते हो तो आपकी जिंदगी झंड है. क्यों? देखना, समझना ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ निकल के आ रहा है. क्या है ना, पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, तो कुछ मैं देखता जा रहा हूं और आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं. देखो, बड़ा कमाल का कुछ है, क्योंकि अगर औरों की खुशी से आपको दुख होता है, क्या इसकी लाइफ तो कितनी बढ़िया है, इसके माँ बाप तो कितने बढ़िया है, इसके पास तो कितना पैसा है, मेरे पास ही सब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो रोते ही रहोगे औरों की खुशी देख करके. किसी को दुखी देखोगे तब भी आप दुखी ही होगे, क्योंकि वाइब्स मैच हो गई ना, तो खुश कैसे होगे अंकल? सोचा है, दुखी ही रहेंगे. और हमें पता ही नहीं होगा हमारी दुखी रहने की जड़ क्या है. वो जड़ हम सोचेंगे कहीं बाहर है, जड़ आप खुद हो. क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, बस हमको अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है कि मेरा बचपन वापस आ जाए. जिसका बचपन अभी चल रहा है उसको देख करके क्या हम खुशी महसूस नहीं कर सकते? ये क्या कमाल हो रहा है, मतलब ऐसी फीलिंग आनी चाहिए बच्चों को देख करके. क्योंकि अभी उनकी हेल्थ भी परफेक्ट है, कचरा दिमाग में भरा नहीं है. जो पूरी दुनिया का काम है अंदर कचरा भर देना, तरह तरह का ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशन, सो कॉल्ड फ्यूचर. अभी फ्यूचर क्रिएट नहीं हुआ है यहां पर, पास्ट क्रिएट नहीं हुआ, पास्ट है ही नहीं तो क्रिएट कहां से होगा? सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट है उनके पास में. तो अगर उनको देख करके आपके दिल से उनके लिए दुआ निकले, हे भगवान की खुशी बनी रहे, ये खुश रहे, ये ऐसे ही खिलखिलाते रहे, भगवान बचाए इनको इनके माँ बाप से. खुद फंसे हुए हैं इस दुनिया में, उनको भी फंसा रहे हैं. जो भी आजाद है उनको बांध रहे हैं. क्या जरूरत है बांधने की? सो अगर औरों की खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढ लो तो क्या होगा, आप उनकी खुशी में इन्वॉल्व हो जाओगे. उनकी खुशी में जैसे इन्वॉल्व होगे क्या होगा, खुद को भूल जाओगे. जैसे ही खुद को भूल जाओगे, थिंकिंग गायब. फिर जब वो माइंड पूरी तरह से पीसफुल होगा, उस टाइम पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, तब आपको बड़े क्लियर जवाब मिलेगा. 90% केसेस में क्या होगा,
कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ है ही नहीं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर एकदम आंसर आएगा कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन है, चलो निकाल लेता हूँ, खत्म। इसके लिए क्या करना है, ये करना है, कर देता हूँ, खत्म।